अभी दोस्तों मैं हूं श्रावस्ती अंगुलीमाल गुफा के पास। ये है अंगुलीमाल गुफा दोस्तों, और ग्रिल को पार करके, गेट को पार करके अंदर आ चुका हूं। और यहां से दिख रहा है अंगुलीमाल गुफा एकदम अच्छे से। इस गुफा का मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाया था दोस्तों, तो फिलहाल उसमें सिर्फ मैंने यहीं का सीन दिखाया था अंगुलीमाल गुफा का। फिलहाल अभी इस अंगुलीमाल गुफा के सामने एकदम कच्ची कुटी है, जहाँ मैंने 1 जनवरी को मतलब आए थे 1 जनवरी को, तो वहाँ थोड़ा सा सीन दिखाया था। फिलहाल वहाँ भी चलते हैं, वहाँ का भी सीन आपको दिखाते हैं कच्ची कुटी का। फिलहाल इस अंगुलीमाल गुफा में एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता था। बहुत पहले की बात है, जब बुद्ध भगवान का समय था तभी की बात है। तो जब वो डेली किसी इंसान का जब उंगली काट कर माला बनाकर पहन लेता था, तभी वो खाना पानी करता था, ये लोग बताते हैं। बहुत पहले दोस्तों क्या था कि यहाँ पर जो ये ग्रिल दिख रहा है, ये वाला ग्रिल मतलब नहीं लगा था, एकदम केवल गुफा ही दिख रहा था। और इतना मतलब इधर भी ग्रिल लगा है, ये भी नहीं था, सारे जगह मतलब ऐसे खाली खाली पड़े थे। तो फिलहाल जब हम लोग बहुत छोटे थे तब यहाँ घूमने के लिए आते थे, और यहाँ घूमते थे। गुफा में भी जाने के लिए कोई रोक नहीं था, पर अब यहाँ पर ग्रिल लगा दिया गया है ताकि अंदर कोई गुफा के अंदर जा ना सके, केवल बाहर से सीन देख सके। तो दोस्तों ये बाहर का सीन है, और देख लो। और अभी हम अंगुलीमाल गुफा से एकदम बाहर आ चुके हैं। ये पूरा एक बड़ा फील्ड है जहाँ पर गाड़ी लोग खड़ा करते हैं, अपना पार्किंग कह सकते हो। और इधर सामने कच्ची कुटी दिख रही है, अभी हम कच्ची कुटी के अंदर चलते हैं, आपको थोड़ा सा सीन यहाँ का भी दिखाएंगे। अब दोस्तों हम चलते हैं कच्ची कुटी के अंदर, गेट को पार कर दिया। तो अभी हम आ चुके हैं कच्ची कुटी के पास में, जहाँ से ये जीना दिख रहा है, अभी जीने पर हम चढ़ेंगे। फिलहाल ये जीना का जो मॉडल है दोस्तों, फिलहाल यहाँ गोल टाइप का है, और जीना कितना अच्छा बनाया गया है। और यहाँ का जगह देख लो कितना अच्छा है, बहुत सारा जगह छुटा हुआ है। तो फिलहाल अभी तो हम चढ़ते हैं ऊपर की तरफ। जब हम 1 जनवरी में आए थे दोस्तों, तो यहाँ का सीन अच्छे से ना देख पाए थे, ना आपको दिखा पाए थे। फिलहाल आज कोई नहीं है, एकदम खाली सुनसान पड़ा है। तो अभी हम चढ़ते हैं ऊपर, चलते हैं ऊपर, देखते हैं कि किस तरह से जगह है। तो अभी हम एकदम कच्ची कुटी के ऊपर आ चुके हैं, और यहाँ देख सकते हो कितना गड्ढा, जैसे लगता है कि ये सारा दीवार है। तो अभी हम कच्ची कुटी के एकदम ऊपर हैं, और यहाँ से जंगल, जो ये बड़ा वाला जंगल है, इसका नज़ारा खूब अच्छे से दिख रहा है चारों तरफ, देख सकते हो। और यहाँ एक गोल्डन का स्टिकर मतलब लगाते हैं लोग, पूजा पाठ करते हैं, सारे चीज़ यहीं पर हैं। तो अब हम यहाँ से चलते हैं नीचे, और ये दोस्तों श्रावस्ती का कच्ची कुटी, जिस तरह से इसका नाम है कच्ची कुटी, उसी हिसाब से अगर देखा जाए तो बहुत अच्छा मंदिर है। मंदिर कह सकते हो, जब पूजा पाठ यहाँ ऊपर होता है तो मंदिर ही है। और अंगुलीमाल गुफा को दिखाया, वो भी काफ़ी अच्छा अंगुलीमाल गुफा भी है। और बहुत सारे चीज़ श्रावस्ती में है दोस्तों जो देखने लायक है, और बहुत दूर दूर से लोग भी आते हैं देखने के लिए। आप भी आइए, देखिए दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा दोस्तों, तो इसी मौके पर फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मैं इसी तरह का वीडियो बनाता रहता हूँ आप लोगों के लिए। और दोस्तों अब वीडियो को हम एंड करते हैं, और फिर एक अगले वीडियो में मिलते हैं दोस्तों, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।